इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मोस्ट प्रॉफिटेबल 100% वर्किंग इन स्टॉक्स इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, बीट द ट्रेड के इस वीडियो में मैं रोहित आप सभी का दोबारा एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये जो वीडियो रहने वाला है ये एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो आपको कई लोग बहुत सारे पैसे लेकर के बोलते हैं, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में इसे अपलोड कर रहा हूं। दूसरी बात, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो जितने भी आपको वहां पर मैं जो पैसे लेकर के जो स्ट्रेटेजी बताई जाती है राइट, उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जैसे अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर होगा और आपको समझ में आएगा। और जब आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद जब आप चार्ट्स पर देखेंगे जो चीजें जो बातें मैंने आपको बताई, जब आप चार्ट्स पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आपने कोई पेड कोर्स किया है इससे पहले तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है और इससे क्या कुछ किया जा सकता है। तो मेरी आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट केवल मात्र इतना ही कि वीडियो के एक पार्ट को भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शुरुआती में मैंने वीडियो में क्या किया है, अलग अलग पार्ट्स मैंने आपको बताए, यानी कि स्ट्रैटेजी में मैं जितने भी टर्म्स को यूज करने वाला हूं पहले उनका डेफिनेशन बताया है और उसके बाद में मैंने एट द एंड में सारी चीजों को मिला जुला करके आप लोगों को स्ट्रैटेजी आपके सामने रखी है। सो और दूसरी बात, वीडियो पूरा देखने के बाद में अगर आप लोगों को स्ट्रैटेजी सचमुच में अगर आपको पसंद आई, चार्ट्स देखने के बाद में अगर वीडियो देखने के बाद में स्ट्रैटेजी अगर आपको पसंद आई तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर करके जाइएगा और उसके बाद में चार्ट्स के ऊपर में जब आप चार पांच ट्रेड या फिर 10-15 दिन का जब आप एक बैक टेस्टिंग का जब आप एक रिजल्ट कर लेंगे, चेकिंग कर लेंगे, उसके बाद में अगर आपको लगा कि हाँ सच में इसमें उतना ज्यादा पोटेंशियल है जितना कि इस वीडियो में बताया गया है, तो नीचे आकर के जरूर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ट्रेड करने के लिए, मार्केट में ट्रेड करने के लिए किसी स्ट्रैटेजी की तलाश में है, ठीक है। सो अगर आपके पास में कोई एक अच्छी स्ट्रैटेजी है और अगर आपका उसके ऊपर में अच्छा काम चल रहा है तो ये वाला वीडियो आपने नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड है मार्केट में कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करूँ, आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सूट करती है, आपको किस तरीके की ट्रेडिंग करनी है, अगर आप कंफ्यूज है कि आपको ट्रेड करने के लिए कोई एक अच्छा सा सेटअप नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहली बात, नो स्ट्रैटेजी वर्क्स 100% ऑफ द टाइम। वीडियो का टाइटल में मैंने तो रख दिया कि 100% वर्किंग मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, लेकिन 100% वर्किंग का मतलब क्या हुआ, अगर आप अपने एफर्ट्स अगर उसमें देंगे, एक बात समझ लीजिएगा, 100% कोई भी स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं करती है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आज आपको बात बताने वाला हूँ, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे अगर केवल मात्र 40%, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, 10 में से अगर 4 ट्रेड में भी अगर कभी प्रॉफिट होता है तो कैसे आपका रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट प्रॉफिट में रह सकता है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट में बल्कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट में आपका रिजल्ट रह सकता है, कैसे ये वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स को, कुछ बेसिक पॉइंट्स को जो हमें आखिर में जब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा राइट, तो कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हमें लगने वाले हैं वो पॉइंट्स का मतलब मैं आपको अभी यहाँ पर बता दूंगा, वो पॉइंट्स को आगे हम लोग उसी नाम से यूज करेंगे। सो ध्यान दीजिएगा। और एक बात, वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोगों को केवल मात्र एक ही एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि एक भी पार्ट को स्किप मत करिएगा। अगर आप पार्ट को स्किप करके आगे ढकेल देंगे वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं बोल रहा हूँ और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो पहले से ही कंफ्यूजन में कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करें, उसमें अगर आप इस वीडियो को आगे आगे ढकेल कर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी और पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। मैं आपको पहले बता दूं, मैं जो जिन पॉइंट्स का आगे स्ट्रैटेजी बताते समय जिन पॉइंट्स का यूज मैं करने वाला हूँ, जिन वर्ड्स का यूज मैं करने वाला हूँ, शुरुआती में पहले मैं उन वर्ड्स का मतलब, ठीक है, वो क्या होते हैं पहले उनको समझाने वाला हूँ, यानी कि पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 रहेगा, उसके बाद में हम लोग ओवरऑल स्ट्रैटेजी के ऊपर में आ जाएंगे। स्ट्रैटेजी वैसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, आप बड़े आराम से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अच्छे खासे प्रॉफिट को आप निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आवर एंट्री पॉइंट, सबसे पहली बात हमारी एंट्री पॉइंट्स के ऊपर में डिस्कस कर लेंगे, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न राइट, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जहां जहां पर मैं आपको दिखेगा आपकी बाइंग एंट्री होगी, ध्यान दीजिएगा, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जहां जहां पर आपको दिखेगा वहां पर मैं आपकी बाइंग एंट्री होगी, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जहां जहां पर मैं आपको दिखेगा वहां पर मैं आपकी सेलिंग एंट्री। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, एंट्री, आवर एंट्री पॉइंट्स, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बाय एंट्री, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न सेल एंट्री, ये कैसे दिखते हैं आइए जरा एक बार आपको वो दिखा देता हूँ। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या है, ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, ये हो गया कैंडल का ओपन, ये हो गया कैंडल का हाई और यही हो गया कैंडल का क्लोज और ये हो गया कैंडल का लो,
और रेड कलर का हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे दिखेगा, ये हो गया ओपन और वही उसका हाई रहेगा, ये उसका लो रहेगा और ये उसका क्लोज रहेगा। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा सा ढंग से समझिएगा, क्यों मैं इसे बाइंग के लिए यूज करने के लिए बोल रहा हूँ। ये जो आप यहाँ पर मैं ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ये हैमर कैंडल का मतलब क्या है, सबसे पहले कैंडल एक ऐसी रेड कैंडल बनी थी, राइट, ये एक ऐसी रेड कैंडल बनी थी यहाँ से। ये रेड कैंडल बनने के बाद में क्या हुआ, ये जो इसका लो पॉइंट है यहां से बायर्स एक्टिवेट हुए, यहां से बायर्स एक्टिवेट हुए और ये बायर्स एक्टिवेट होकर के इस कैंडल की क्लोजिंग फाइनली ग्रीन हुई। मतलब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जब जब भी आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा, ये लो से बायर्स एक्टिवेट हो गया, अब यहां से वो स्टॉक, वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। सेम इसी तरीके से ये भी यहीं पर रेड कैंडल का भी, ये रेड कलर का भी उसी तरीके से रहेगा। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न माने ये जो पूरा का पूरा जो था, ये पूरा का पूरा रेड था, जो ये इसका लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट से बायर्स एक्टिवेट हो गए और उन्होंने उस प्राइस को ऊपर ढकला, कुछ इस तरह से उन्होंने उस प्राइस को कुछ इस तरीके से ऊपर ढकला। सो बाइंग के लिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमेशा ध्यान रख दीजिएगा। जब भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको दिखाऊं आगे चार्ट के ऊपर में, सो आप ये समझ लीजिएगा उसके हाई के ऊपर में एंट्री, लो का स्टॉप लॉस, उसके हाई के ऊपर में एंट्री, लो का स्टॉप लॉस। एग्जैक्टली इसका अपोजिट शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में होता है। वैसे अगर ये अप ट्रेंड में फॉर्म हुआ जाए तो इसे शूटिंग स्टार कहते हैं, और अगर मान के चलिए डाउन ट्रेंड में अगर वो फॉर्म हुआ तो इसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, लेकिन हम ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसे शूटिंग स्टार ही कहेंगे। शूटिंग स्टार, अब यहाँ पर मैं देखिए शूटिंग स्टार क्या होता है, यहाँ पर मैं शूटिंग स्टार में ये जो कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पर में, ये पहले ओवरऑल ग्रीन थी यहाँ पर, इसके बाद में क्या हुआ, ये जो लो हाई पॉइंट बना है, ये जो हाई पॉइंट बना है, यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो गए, यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो गए और उन्होंने कैंडल को कुछ इस तरीके का बनाया। ये जो पहले आप देख रहे हो, ये पहले ग्रीन कैंडल थी, ये जो हाई पॉइंट था, यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए, उसके बाद में जाकर के ये रेड कैंडल बन गई। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी मैं आपको बताऊँ तो आपको एक बार ध्यान रखना है, इसके लो के नीचे हम लोग सेल करेंगे, इसके लो के नीचे हम लोग सेल करेंगे। सिंपल, एंट्री क्लियर हुआ। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्योंकि बायर्स हावी हो गए इसलिए बाय करेंगे, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न या इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग सेल करेंगे लो के नीचे, राइट। एंट्री पॉइंट यहां पर मैं आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आइए आगे की स्ट्रेटेजी को समझते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पिवोट्स, स्टैंडर्ड वे ऑफ यूजिंग पिवोट्स क्या होता है, पिवोट्स क्या होते हैं और क्रूशियल पॉइंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। पिवोट्स को जनरली आपको कैसे यूज करने के लिए बताया जाता है, सबसे पहले आइए ये आपको बता देता हूँ। जनरली पिवोट्स को यूज करते समय आपको एक ही दिन का पिवोट बताया जाता है कि ये हो गया पिवोट पॉइंट, ये हो गया आर वन और ये हो गया आर टू, ये हो गया एस वन और नीचे में कहीं पर में ये हो गया एस वन और नीचे में कहीं पर में एस टू आ जाएगा। पिवोट्स बेसिकली कोई इंडिकेटर नहीं है, पिवोट बेसिकली बहुत पहले से यूज किया जाने वाला प्राइज एक्शन बेस्ड इंडिकेटर्स है, ठीक है। अब प्राइज एक्शन बेस्ड मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जितने भी पिवोट आर वन आर टू आर थ्री एस वन एस टू एस थ्री जितने भी क्रिएट होते हैं, ये स्टॉक ने कल जो मूवमेंट की है, राइट, कल जो उसका ओपन था, कल जो उसका लो था, कल जो उसका हाई था, कल जो उसका क्लोज था, उसके ऊपर से डिराइव होकर के निकलते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस, आर टू माने रेजिस्टेंस टू, आर थ्री माने रेजिस्टेंस थ्री, पिवोट माने पिवोट पॉइंट, एस वन माने सपोर्ट वन, एस टू माने सपोर्ट टू। ये स्टैंडर्ड तरीका है यूज करने का, कई सारे लोग एक ही दिन का पिवोट देखते हैं और उस हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को लेते हैं, आपने भी यही तरीका जाना होगा। अब आइए, मैंने आपको पिवोट बता दिया, पिवोट क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात आप समझ लीजिएगा। सबसे एंशियंट इंडिकेटर है प्राइस एक्शन बेस्ड, यानी कि ये पूरा का पूरा प्राइस के ऊपर में ही डिराइव किए हुए लेवल्स होते हैं, ये मार्केट चालू होने के बाद में नहीं बनते, ये मार्केट शुरू होने के एक दिन पहले से ही बन जाते लेवल्स पूरे तरीके से, एक दिन पहले आप लोग भी निकाल सकते हो। सो पिवोट्स क्या है मैंने आपको बता दिया। अब ये क्रूशियल पॉइंट क्या है, जरा इसे भी ढंग से समझ लीजिएगा। क्रूशियल पॉइंट क्या है, पिवोट लेवल माने क्रूशियल पॉइंट, ठीक है, पिवोट लेवल माने क्रूशियल पॉइंट। एस वन क्रूशियल पॉइंट, एस टू क्रूशियल पॉइंट, आर वन क्रूशियल पॉइंट, आर टू क्रूशियल पॉइंट। अभी के लिए केवल मात्र इतना ही ध्यान दीजिएगा, पिवोट्स और आर थ्री भी आप डाल सकते हो, एस थ्री भी आप डाल सकते हो, बट वो इतना जरूरी नहीं। सो जब मैं क्रूशियल पॉइंट की बात कर रहा हूं तो पिवोट क्रूशियल पॉइंट हो गया, आर वन क्रूशियल पॉइंट हो गया, आर टू क्रूशियल पॉइंट हो गया, पिवोट क्रूशियल पॉइंट हो गया, एस वन क्रूशियल पॉइंट हो गया और एस टू क्रूशियल पॉइंट हो गया। स्टैंडर्ड वे ऑफ यूजिंग पिवोट्स मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से यूज किया जाता है, एक ही पिवोट में देखा जाता है, आज के दिन का ही पिवोट देखा जाता है,
पिवोट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि पिवोट्स एक बहुत ही स्टैंडर्ड यूज होने वाला इंडिकेटर है, बहुत जमाने पहले बर से ये इंडिकेटर यूज हो रहा है। इनफैक्ट जब से इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू हुई कई ट्रेडर्स, कई नामी गिरामी ट्रेडर्स पिवोट्स को यूज कर चुके हैं, वो अपनी किताबों में इस चीज का उल्लेख कर चुके हैं। क्रूशियल पॉइंट्स का मैंने आपको क्या मतलब बता दिया, जब हम लोग डेली पिवोट देख रहे हैं, जब हम लोग चार्ट खोल रहे हैं और पिवोट पॉइंट की कोई एक लाइन आ रही है, जैसे आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, तो वो जो लाइन होगी, वो जो रेंज होगी, वो जो लेवल होगी, वो लेवल को हम लोग क्रूशियल पॉइंट कहेंगे। अगर आर वन की एक लेवल है सो आर वन की लेवल क्रूशियल लेवल रहेगी, क्रूशियल पॉइंट रहेगा। आर टू की अगर एक लेवल है तो वो लेवल क्रूशियल पॉइंट रहेगी। एस वन का एक लेवल है तो वो लेवल क्रूशियल पॉइंट रहेगी। और एस टू का अगर कोई एक लेवल है तो वो लेवल क्रूशियल पॉइंट रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पिवोट्स के बारे में जो चीज मैंने जानी और जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका नजरिया पिवोट्स को देखने का टोटली कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। स्ट्रैटेजी बताने के लिए जा रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बताने के पहले सबसे पहले ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी का क्रेडिट जाता है फ्रैंकलिन उचुआ को। उनकी किताब है, उनकी किताब से एक ये आइडिया मिला, वो आइडिया मिलने के बाद में फिर कुछ ऐसे चीज़ों को हम लोगों ने कंबाइन कर इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का बेस जो है वो फ्रैंकलिन उचुआ की किताब से मिलेगा, सीक्रेट ऑफ ए पिवोट बॉस, ये उनकी किताब है। और फ्रैंकलिन उचुआ का काफ़ी ज़्यादा मास्टरी है पिवोट्स के ऊपर में। उनकी किताब में कई और अलग अलग तरीके बताए गए पिवोट्स को यूज़ करने का। एक छोटा सा तरीका उनकी किताब से इंस्पायर्ड होकर के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर मैं इस वीडियो में। सो अगर इस वीडियो में अगर कोई कुछ जो कुछ अगर आपको नया दिखता है तो उसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, फ्रैंकलिन उचुआ को जाता है। सो शुरू करते हैं। न्यू वे ऑफ लुकिंग एट पिवोट्स, कोरिलेशन बिटवीन टू डेज ऑफ पिवोट, न्यू वे ऑफ लुकिंग एट पिवोट्स एंड कोरिलेशन बिटवीन टू डेज ऑफ पिवोट्स, राइट। सबसे पहले पिवोट्स को देखने का नया तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं और उसके बाद में कोरिलेशन बिटवीन टू डे ऑफ पिवोट्स में आप लोगों को बताऊंगा। स्टैंडर्ड तरीका क्या है, एक दिन का पिवोट आप लोग देखते हो। आप लोगों ने मान के चलिए अगर आप लोगों ने अपस्टॉक्स भी अगर आप लोगों ने लगाया है आप एक दिन का ही पिवोट देखेंगे। अगर आपने जीरोडा भी लगाया है तो भी आप आज के पिवोट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी आज का पिवोट अगर देख लिया तो ये जो लेवल है ये वाली लेवल एक क्रूशियल लेवल है, ये आर वन की लेवल है ये वाली लेवल भी क्रूशियल लेवल है और ये आर टू की लेवल है ये वाली लेवल भी क्रूशियल लेवल है। लेकिन फ्रैंक उचुआ के पास से एक नया कंसेप्ट क्या जानने को मिलता है, कोरिलेशन बिटवीन टू डेज ऑफ पिवोट्स, ये मैं आपको दिखा देता हूं। अप ट्रेंडिंग पिवोट्स, अप ट्रेंडिंग पिवोट्स, डाउन ट्रेंडिंग पिवोट्स, अप ट्रेंडिंग पिवोट, डाउन ट्रेंडिंग पिवोट, यानी कि पिछले पिवोट से अगर आज की पिवोट की लाइन अगर ऊपर है तो उसे हम लोग अप ट्रेंडिंग पिवोट कहेंगे। पिछली पिवोट की लाइन से अगर आज का पिवोट का लाइन अगर ऊपर है तो उसे हम लोग कहेंगे अप ट्रेंडिंग पिवोट, और पिछली पिवोट की लाइन से अगर आज का पिवोट का लाइन नीचे है तो उसे हम लोग कहेंगे डाउन ट्रेंडिंग पिवोट। पिछली पिवोट की लाइन से अगर आज का पिवोट का लाइन नीचे है तो उसे हम लोग कहेंगे डाउन ट्रेंडिंग पिवोट्स, ठीक है। दो दिन के बीच का कोरिलेशन आपके समझ में आए, ये वाला कंसेप्ट फ्रैंकलिन उचुआ के बुक से उठाया हुआ कंसेप्ट है, इस बात को मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। सो ये दो दिन का कोरिलेशन उन्होंने बताया है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी के पास से सीखा था, कोई बहुत बड़े ट्रेडर थे उनके पास से सीखा था और उन्होंने उस बात का उल्लेख उनकी किताब में भी किया है, वही चीज़ का उल्लेख मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, राइट। सो अब ये आपको नॉर्मल पिवोट्स में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अपस्टॉक्स खोल रहे हो, राइट, और अगर आप ऐसे चार्ट्स को अगर आप ऐसे जूम आउट करते हो तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा आज अगर ये पिवोट है तो ये पिछले पिवोट के नीचे पिवोट है, यानी कि ये डाउन ट्रेंडिंग पिवोट में काउंट किया जाएगा। ये वाला पिवोट पिछले पिवोट के नीचे में है तो ये डाउन ट्रेंडिंग के पिवोट में काउंट किया जाएगा, ओके। सो इस तरीके से आप दो दिन का ओवरऑल कोरिलेशन आप करेंगे, हर बार करेंगे पर्टिकुलर इस सेटअप को यूज करते समय, अप ट्रेंडिंग पिवोट्स, डाउन ट्रेंडिंग पिवोट्स, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ अप ट्रेंडिंग पिवोट्स जब जब आपको दिखे, अप ट्रेंडिंग पिवोट्स जब जब आपको दिखे, आपको केवल मात्र बाय का ट्रेड ही लेना है और बाय का ट्रेड लेने के लिए आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करना है क्रूशियल पॉइंट्स पर। इसका क्या मतलब हुआ, पिवोट्स अप ट्रेंडिंग में आ गए, आपने देख लिया, आपने एक पर्टिकुलर चार्ट ओपन किया, चार्ट ओपन करने के बाद में आपको पता चला कि आज का पिवोट कल के पिवोट से ऊपर है, राइट। अब वहां पर मैं आपको क्या करना है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉर्म, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की आपको तलाश रहेगी, लेकिन कहां पर, क्रूशियल पॉइंट्स पर। क्रूशियल पॉइंट्स मैंने क्या बताया, पिवोट आर वन आर टू, पिवोट एस वन एस टू, ये हो गए क्रूशियल पॉइंट्स, राइट। अप ट्रेंडिंग पिवोट्स आपको दिख गए तो या फिर पिवोट के पास में हैमर कैंडलस्टिक बनने दीजिए,
आर वन के पास में एक हैमर कैंडल स्टिक बनने दीजिए, आर टू के पास में हैमर कैंडल स्टिक बनने दीजिए, या एस वन के पास में हैमर कैंडल स्टिक बनने दीजिए, या एस टू के आसपास में हैमर कैंडल स्टिक बनने दीजिए। हैमर कैंडल स्टिक का जैसे ही हाई ब्रेकआउट होगा आप बाय करेंगे। कब तक होल्ड रखेंगे उसे दिन भर के लिए छोड़ दीजिए। डाउन ट्रेंडिंग पिवोट्स में आपको देखना है शूटिंग स्टार। डाउन ट्रेंडिंग पिवोट माने क्या हो, पिछले पिवोट से आज का पिवोट नीचे आ गया, और डाउन ट्रेंडिंग पिवोट्स में आप लोग केवल मात्र सेल के लिए फोकस करेंगे और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्रूशियल पॉइंट्स पे, यानी कि पिवोट्स पे आप लोग शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हो, आर वन पे आप लोग शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हो, या आर टू पे आप लोग शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हो, या फिर एस वन पे आप शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हो, या एस टू के आसपास में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हो। डाउन ट्रेंडिंग पिवोट आया शूटिंग स्टार सेलिंग के लिए, अप ट्रेंडिंग पिवोट आया हैमर बाइंग के लिए। आई होप यहां तक के सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है। अब मैथ ऑफ दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मैथ आप लोग ढंग से समझ लीजिएगा। आउट ऑफ 10 ट्रेड्स, 10 ट्रेड अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से लेंगे तो चार ट्रेड्स आपके क्लियर कट एसएल वाले रहे। 10 ट्रेड्स में से चार ट्रेड क्लियर कट एसएल वाले रहे, राइट। दो ट्रेड हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट कुछ ऊपर या कुछ नीचे निकल जाए, यानी कि जहां से आपने ट्रेड लिया दिन भर में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई, कुछ थोड़ा बहुत पैसा आपको मिला या थोड़ा बहुत पैसा आपका चला गया, कॉस्ट टू कॉस्ट आप बाहर हो जाए। दो ट्रेड माइनर प्रॉफिट में रहेंगे, राइट, बहुत छोटे मोटे से प्रॉफिट में, यानी कि ये जो दो ट्रेड है इसमें आपका पूरा का पूरा एसएल भी नहीं होगा, बस थोड़े से एक दो पॉइंट मतलब कुछ एक पॉइंट्स का आपको एसएल हो जाए। और वैसे ही दो ट्रेड आपके माइनर प्रॉफिट में रहेंगे, बहुत कम आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन दो ट्रेड ऐसे रहेंगे जो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देंगे, मेजर प्रॉफिट। वो मेजर प्रॉफिट इन सब का लॉस तो भर करके निकालेगा ही, उसके साथ साथ में आपको बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट देगा। दो ट्रेड आपके ऐसे रहेंगे जो आपको मेजर प्रॉफिट देंगे, बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट। मैथ ऑफ द ट्रेडिंग, इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मैथ मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दिया। अब हम लोग कुछ रियल एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको कुछ रियल एग्जाम्पल लूंगा। मैं 5 स्क्रिप्ट पकड़ूंगा, कोई भी 5 स्क्रिप्ट रैंडमली मैं उठाऊंगा, और वो 5 स्क्रिप्ट में हम लोग क्या करेंगे ना, 5 के 5 स्क्रिप्ट में हम लोग एक महीने भर का अप्रैल महीने का पूरा चेक कर लेते हैं। अप्रैल महीने का पूरा हम लोग चेक कर लेते हैं। टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें, टाइम फ्रेम के बारे में भी मैं आपको चार्ट के ऊपर में ही बताऊंगा। ये इसको मैं आपको एमी ब्रोकर पे बता रहा हूँ, क्योंकि एमी ब्रोकर के ऊपर में पिवोट्स काफ़ी आसानी से दिख जाते हैं। ये आपके अपस्टॉक्स में आपको बहुत ऐसा जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा, क्लियरली विजिबल नहीं होता है, ठीक है। सो मैं इसके ऊपर मैं आपको क्या करता हूँ ना, एमी ब्रोकर पे दिखा देता हूँ, राइट, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। सबसे पहली बात, 1 अप्रैल मैंने ग्रासिम ले लिया, 1 अप्रैल से हम लोग देखते हैं 4-5 दिन में कितने ट्रेडिंग सेशन मिले। 10 ट्रेड अगर हम लोगों को देखने को मिल जाते उसके बाद हम लोग ये ग्रासिम चेंज करके कोई और उठा लेंगे। सबसे पहली बात, 1 अप्रैल अप ट्रेंडिंग पिवोट क्रूशियल पॉइंट के आसपास में हमें क्या देखना है, हैमर देखना है। तो क्रूशियल पॉइंट के आसपास में तो ये आया ही नहीं। यहाँ पर मैं देखिए दोबारा से अप ट्रेंडिंग पिवोट क्रूशियल पॉइंट के आसपास में, यहाँ पर मैं ये आपको हैमर इधर मिला है, मुझे पहला एक हैमर यहीं पर में मिल रहा है, राइट। ये देखिए ये यहाँ पर मैं एक हैमर मिल रहा है, हैमर मिला, ये इसने इतना सा प्रॉफिट दे दिया, ये इसका स्टॉप लॉस था और ये इसने यहाँ पर मैं प्रॉफिट दे दिया, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं। उसके बाद में देखिए 3 अप्रैल डाउन ट्रेंडिंग पिवोट, पिछले पिवोट से ये वाला पिवोट नीचे, इसलिए डाउन ट्रेंडिंग पिवोट हो गया। आपको शूटिंग स्टार देखना है, शूटिंग स्टार आपको यहीं पर मिल गया, और ये आप देखिए 847 से क्लोजिंग तक आपने इसको छोड़ दिया 828, राइट, लगभग 20 रुपये का प्रॉफिट, राइट। उसका मैं देखिए दोबारा से आपको यहाँ पर मैं डाउन ट्रेंडिंग पिवोट मिल गया, डाउन ट्रेंडिंग पिवोट क्रूशल पॉइंट के पास में हमें क्या चाहिए, क्रूशल पॉइंट यानी कि पिवोट हो गया, आर वन हो गया, आर टू हो गया, फिर एस वन हो गया, एस टू हो गया, क्रूशल पॉइंट के पास में हमें क्या चाहिए, शूटिंग स्टार मिला है क्या, नहीं मिला। उसके बाद में ये वापस से डाउन ट्रेंडिंग पिवोट हो गया, ये आप देखिएगा ये यहाँ पर मैं आपको शूटिंग स्टार मिला है, यहाँ पर मैं ये शूटिंग स्टार आपको यहाँ पर मिला, ये देखिए ये 840 से ये वापस 828 आया, लेकिन बाद में क्योंकि हम लोग दिन भर के लिए होल्ड कर रहे हैं पोजीशन को, इसलिए आपका यहाँ पर मैं हम लोग ये पर्टिकुलर इसका 839 से लेकर के 843 तक का हम लोग यहाँ पर मैं इसे एसएल ही कंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर मैं एसएल ही कंक्लूड हो गया, ये अप ट्रेंडिंग पिवोट है दोबारा से, और इस 10 मिनट का टाइम फ्रेम में ले रहा हूँ, आप चाहो तो 5 मिनट और 15 मिनट ये तीनों के टाइम फ्रेम पर आप चेक कर सकते हो। बस आपको एंट्री मिलना इंपॉर्टेंट है क्रूशल लेवल पर, लेकिन आप 5 मिनट से नीचे मत आ जाइए, 1-2 मिनट वरना एंट्री मिलेगा और एसएल ज़्यादा हो जाएगा। ये वापस से अप ट्रेंडिंग पिवोट आ गया, अप ट्रेंडिंग पिवोट में देखिए ये S1 के आसपास में हमें यहाँ पर मैं हैमर मिल रहा है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा यहाँ पर मैं हमारी एंट्री पॉइंट हो गई,
और यहां से आप देखिए 845 से लगभग लगभग 854 के आसपास, वैसे तो ये 860 तक गया, लेकिन क्योंकि हम लोग दिन भर के मार्केट क्लोजिंग तक का इंतजार करेंगे ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए ये 860 के आसपास में, राइट। ये 15 अप्रैल ग्रासिम में हम लोग देख चुके हैं, और ऐसे कर 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 आप 4 से 5 और स्क्रिप्ट के ऊपर में आप लोग भी अपना टाइम स्पेंड करिएगा। आप कोई भी 10 स्क्रिप्ट पकड़ कर कर उसमें चेक करिए, इसे बैक टेस्ट करिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पे करिए, 10 मिनट पे करिए, 15 मिनट पे करिए, 5 मिनट पे करिए, 5 मिनट से नीचे नहीं आना है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब ऐसे बड़े टाइम फ्रेम पर जब हैमर या फिर ऐसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसका इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है, राइट। तो छोटे टाइम फ्रेम पर 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट के, 5 मिनट से नीचे वाले टाइम फ्रेम पर तो बिल्कुल भी मत करिएगा। मैंने आपको टोटल ओवरऑल कंसेप्ट बता दिया है, आप लोग चेक करिए अपने पास में। और एमी ब्रोकर में अगर नहीं देख सकते हो तो थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा ये खराब दिखेगा, लेकिन आप अपस्टॉक या जीरोडा में भी चेक कर सकते हो। बहुत आप बहुत बड़े दिन तक की सेशन को चेक कर सकते हो, आराम से चेक कीजिएगा। वीडियो कुछ स्क्रिप्ट में चेक करने के बाद में नीचे में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एक बात समझ लीजिएगा, आप वीडियो बंद करने से पहले, वीडियो क्लोज करने से पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में 90% स्किल्स और साइकोलॉजी काम करती है, केवल मतलब 10% आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज काम करते हैं दोस्तों। सो ये जो स्ट्रैटेजी, जिस तरीके की स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी तरीके की स्ट्रैटेजीज और स्किल्स को डेवलप अगर आपको करना है तो आप हमारा इंट्राडे प्रीमियम इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरा का पूरा 1 महीने का कंप्लीट प्रोग्राम होता है। उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो। ये जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर में जो नंबर देख रहे हो इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर ये जो व्हाट्सएप का नंबर आप देख रहे हो इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।